एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार भी लगातार छापेमारी कर रही है। पराली के बाद अब अधिकारी लगातार ऐसी जगहों पर छापेमारी करने में जुटे हैं जहां प्रदूषण ज्यादा फैलता है। इसी क्रम में सीएम फ्लाइंग ने एक टायर तेल फैक्ट्री को सील कर दिया और मौके से काम कर रहे 11 मजदूरों को पकड़ लिया। इस दौरान फैक्ट्री में कई खामियां पाई गई। सीएम फ्लाइंग के मुताबिक जो कागजात दिखाए गए वो उनके रिकॉर्ड में नहीं है। बहरहाल पुलिस ने फैक्ट्री मालिक पर केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गुप्त से सूचना मिली थी कि धौलेड़ा करेसर जोन के अंदर विनायक इंडस्ट्रीज के अंदर पुराने टायरों को जलाकर उनका तेल वगैरह निकालकर अवैध कार्य किया जा रहा है और ये इंडस्ट्री प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कुछ समय पहले सील भी की हुई है। जो इस सूचना के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत किया गया और उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुसार मैंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड धारूड़ा के एसडीओ हरीश यादव की टीम को साथ लेकर विनायक इंडस्ट्री को चेक किया गया, जिसके अंदर पुराने टायरों को रिएक्ट करने के दो रिएक्टर लगे हुए थे और जिनमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा था और ये सभी काम कर रहे थे। इसके अंदर जो ऑपरेटर था और एक अन्य मुनीम वो टीम को देख के भागने में कामयाब हो गए। जो इसी संबंध में जो बिजली यूज की जा रही थी वो बिजली भी चोरी केबल से बाहर दुकानों को भी सप्लाई की हुई थी। इस संबंध में बिजली विभाग के एसडीओ विशाल राजपूत को भी टीम संयुक्त रेड में शामिल किया गया व टैक्स विभाग के अधिकारी को भी टीम में शामिल किया गया। जो उनको बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा चेक करने पर बिजली रीसेल के केस पाए जाने पर LL1 रिपोर्ट तैयार की गई और टैक्स विभाग के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। प्रदूषण विभाग के एसडीओ द्वारा थाना नांगल चौधरी में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निवेदन दे दिया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा प्राथमिकता दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा सरकार द्वारा भी व माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए प्रदूषण फैलाने वाली प्लांट्स को कुछ समय के लिए बंद करने के निर्देश दिए हुए। नारनौल के धोलेरा गांव में विनायक नाम से ये प्लांट चल रहा था। सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए इस तरह की फैक्ट्रियों पर पहले ही रोक लगाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। छापेमारी की भनक लगते ही मालिक और मुनीम मौके से फरार हो गए। पूरी कार्रवाई में प्रदूषण विभाग की टीम भी एसडीओ हरीश के अगुवाई में मौके पर मौजूद रही। साथ ही सेल्स टैक्स और बिजली विभाग की टीमों ने भी चोरी और बिजली चोरी की धरपकड़ की है। कार्रवाई के दौरान मौके से करीब 35,000 लीटर टायरों का तेल बरामद किया गया। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस फैक्ट्री मालिक पर क्या कार्रवाई करती है। नारनौल से भारेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।